दुनिया का कोई सेंटेंस हो, क्या कहा आपको टेस्ट यहाँ क्लास में बैठना है, आधे घंटे बैठ टेस्ट देना है, अगर पहले क्लास में फ्यूचर हो तो आगे सिंपल प्रेजेंट। बहुत बढ़िया, इट इज के स्थान पर इट वाज होना चाहिए था। उसे क्या होगा सर, उसे फायदा ये होगा कि टेस्ट देने का लत लगेगा, प्रैक्टिस करने का लत लगेगा। तो यहाँ पे आइए, 50 क्वेश्चन मिलेगा, आप टेस्ट दीजिए। तो ध्यान देना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत भयानक होता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, आई अलोंग विथ माई फ्रेंड हैव बीन डूइंग इट 5 times, कोई बताएगा इसका आंसर? आंसर आप समय इसको बताएगा, सारे बच्चे कुछ कुछ पढ़ा लिखा सब है ना, बताएगा कुछ, बोलो कौन सा आंसर है? हैव के स्थान पे हैज होगा, हैज बट कोई और बोलना चाहे कुछ, बोलो जल्दी, आगे भी प्रेजेंट टेंस है तो क्या करूं, बोलो ना गलती क्या है, सही कैसे हो, क्या सीखे उसको, चलो छोड़ो फालतू बैठो, सुनो छोड़ो कहानी, तू का बोलो, दुनिया का कोई सेंटेंस, दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया हो, क्या किया गया हो, 2 times, 3 times, 10 times, 5 times, 100 times, राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम्स हो, उसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। किया कहां गया? हैव बीन डूइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब सिंस और फॉर आएगा, तो सिंस और फॉर यहां 5 times फ्रीक्वेंसी है, 5 बार किया है, और आईएनजी लगता है तो 5 बार करता रहा हूं, तो अर्थ का अर्थ नहीं हो गया, तो 5 बार करता रहो तो हो नहीं होगा, नहीं 5 बार किया ना जी, तो किया तो फिनिश हुआ ना, तो फिनिश हुआ तो डन हुआ कि डूइंग होगा, तो बिन हटेगा नहीं हटेगा, और डूइंग करना पड़ेगा डन, खत्म हुआ कहानी। तो आई अलोंग विथ माई फ्रेंड हैव डन इट 5 times। टेंस का एरर है, टेंस क्वेश्चन है, ये सब पढ़ोगे आगे। क्वेश्चन 2 number, दिमाग लगाओ। अब इफ ही स्पोक क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, एंड अब देखो इफ के साथ स्पोक दिया, बिल्कुल सही दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आगे भी वुड के साथ भी दिया, बिल्कुल सही फॉर्म है, ठीक, वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। एंड एक बार बताओ, पिछले क्लास में टेस्ट लिया था तो बोला था एंड के पहले जो टेंस होगा एंड के बाद भी, तो बोलो एंड के पहले कहाँ था, एंड के पहले बोलो वर्ब भी बन है कि नहीं है, तो एंड के बाद भी टू होगा, ये हेल्प हो जाएगा, समझा, एंड से पहले जो टेंस होगा एंड के बाद भी वही वर्ब होगा, वही टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शी स्पेंड्स मनी एज दो, ध्यान देना, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, क्या कहा, दुनिया कोई शब्द जिसमें तुमको कल्पना दिख जाए, जैसे आई विश, वी विश, एज इफ, एज दो, इवन दो, ऑल दो, जितने वर्ड दिख जाए, क्या क्या बोला, आई विश, यू विश, वी विश, एज दो, ऑल दो, इवन दो, तो आने वाले क्लाउज में सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू आर यू वर आएगा, क्या आएगा, बोलो एज दो आया कि नहीं आया, उड भी हुआ कि वर आएगा, ये सब फैक्ट याद कर लेना, जहां भी दिख जाए एज दो, इवन दो, ऑल दो, आई विश, यू विश, वी विश, वहां क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, 100% फैक्ट याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 hour, फॉर द लास्ट 1 hour, सिंस और फॉर का प्रयोग बोलो किस टेंस में करते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग किस टेंस में करते हैं बेटा, फॉर द लास्ट 1 hour, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, टेंस का नाम दिया आई एम ट्राइंग, ब्लंडर हुआ कि नहीं हुआ, इज एम आर के साथ सिंस फॉर कभी नहीं आता है, और इज एम आर से लगाया है सिंस फॉर लगाया है, तो सही कहां करें सर, सही तो यहां करना पड़ेगा ना, तो एम ट्राइंग को करना पड़ा, आई हैव बीन ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 hour।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर राशिद आस्क्ड द लीडर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल एंड वेदर। बताओ, पकड़ पाओगे पास नंबर? बहुत बढ़िया, इट इज के स्थान पर इट वाज होना चाहिए था। क्यों सर? क्योंकि सर पास्ट में क्लाउज आ रहा है और पास्ट में आ रहा है तो आगे इज कैसे होगा सर? पास्ट ही तो होगा, पहला क्लाउज पास्ट तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट। मोटा मोटी पकड़ पा रहे हो तुम लोग कुछ कुछ? आगे पढ़ाऊंगा क्लियर हो जाएगा, घबरा नहीं है, बस ये देखो कि क्या हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाओ, बोलो आई हर सिंस शी वेंट फ्रॉम हेयर। बोलो क्या करूं इसको? तो ध्यान देना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत भयानक होता है। सिंस का प्रयोग यदि सिंपल पास्ट में किया गया हो तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो सिंस आई हैव नॉट सीन, क्योंकि नॉट लिया है ना भाई, तो आई हैव नॉट सीन सिंस इवेंट फ्रॉम हेयर। इसको ऐसे मान लो, इसको पढ़ाऊंगा आगे क्योंकि थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो आई हैव नॉट सीन सिंस सी वेन, ठीक है। वी शैल नॉट गो इफ इट रेन्स, अगर पहले क्लाउज में फ्यूचर हो तो आगे सिंपल प्रेजेंट, इफ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट होता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बोलो कौन सा वर्ब लिखूं? स्पेलिंग बी ए एन, बिल्कुल सही, 90% बच्चा यूएन कर देता है और कई बार बिगिन से क्वेश्चन पूछा है, ध्यान देना। बोलो यहां पे क्या लगाएं? ही सी वाज, क्यों? दैट मोमेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। आई सी केम, सी केम का मतलब क्या है? पास्ट। तो आई वाज रीडिंग, I was reading a book when she came. ठीक है, आप लोगों का टेस्ट कितने तुम लोग आज, कल सैटरडे है ना, 50 नंबर का टेस्ट होगा हर शनिवार को, मिसलेनियस। आप लोग पढ़े हो चाहे पढ़े ना हो, उस मतलब नहीं है, हर शनिवार को टेस्ट दीजिए आकर के यहां पे। उससे क्या होगा सर? उसे फायदा ये होगा कि टेस्ट देने का लत लगेगा, प्रैक्टिस करने का लत लगेगा। तो यहाँ पे आइए, 50 क्वेश्चन मिलेगा, आप टेस्ट दीजिए, एक्सप्लेन क्या हुआ आंसर मिलेगा, जितना सीख सकते हैं सीखिए उसको, है ना। तो टाइम 1 बजे रहने दूँ या सुबह 11 बजे कर दूँ? दो टाइम में टेस्ट है, 11 बजे एक 1 बजे, जो तुम लोग अपने टाइम से आते हो अपने टाइम पर आ जाना, सुबह आ सकता है सुबह जाना, मतलब 11 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा, आधा घंटा बैठ के यहीं पे टेस्ट देना है आपको, टेस्ट यहाँ क्लास में बैठना है, आधे घंटे बैठ के टेस्ट देना है, ये नहीं कि टेस्ट लिया टेस्ट ही चले गए, बच्चा पिछले बार ऐसे भी किया था, ठीक है ना। तो टेस्ट ले घर जाना नहीं है, टेस्ट बैठ के यहीं पे देना है आधा घंटा, ठीक है। दूसरा वाला इफ है ना, इफ का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, हाँ रेन भर हो गया, रेन्स रेन नाउन भी है, रेन भर भी। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में आ जाइए, मेरी पत्नी, क्या लिखूं? माय वाइफ हाउ टू ड्राइव अ, आता था ना, क्या तुम बता सकते हो? डू यू, बताओ, डू यू टेल दैट, उसका नाम क्या है? वाट हिज नेम, है ना, ऐसा मत करना कि वाट इज हिज नेम, पता है ना ऐसा, वाट हो गया कंजंक्शन। टेस्ट मैच कब शुरू होगा? वेन डज द
टेस्ट मैच स्टार्ट होगा ना ऐसा, बोलो किसी बच्चे को दिक्कत, जल्दी करिए फटाफट।